ऑल राइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में क्रिएट करेंगे चैट एप्लीकेशन यूजिंग सॉकेट आयो एंड रिएक्ट जेएस, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कैसे हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं, रियल टाइम चैट करते हैं, किस तरह से हम चैट को सेव करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं एंड क्रिएट करते हैं अपना चैट एप्लीकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम यूज करेंगे सॉकेट आयो। सॉकेट आयो क्या है? एक रियल टाइम लाइब्रेरी है जो बनी ही चैट के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप रियल टाइम डेटा को सेव कर सकते हो, बैकएंड से क्लाइंट में कम्युनिकेशन कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक बेसिक चैट एप्लीकेशन जिसमें दो क्लाइंट होंगे जो आपस में रिक्वेस्ट करेंगे, चैट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वीट का, ठीक है। तो वीट को आप सिंपल गेस्ट चैट पर क्लिक कर दो, यहाँ पर वो मिल जाएगा। आप अगर एंगुलर, व्यू या फिर कोई भी अदर फ्रेमवर्क काम चाहते हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हम यूज करेंगे रिएक्ट का। तो सिंपल इस कमांड को कॉपी करते हैं, इसकी जगह जो व्यू लिखा हुआ है उसमें हम अपना जो भी आपका टैंपलेट है वो पेस्ट कर सकते हो, चाहे आपका रिएक्ट SWC हो, रिएक्ट TS हो, रिएक्ट SWTS हो या फिर रिएक्ट कुछ भी। सो सिंपल आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और CMD ओपन करूंगा मैं। इसके अंदर मैं बेसिक तरीके से यहाँ पर लिखूंगा रिएक्ट TS, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपको टैप सेट नहीं आती है तो आप रिएक्ट से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ये कोई प्रायर नहीं है। तो CD करते हैं, माई व्यू ऐप, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा फर्दर, तो आप इसका टेंशन मत लो। और NPMI करते हैं। NPMI से क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी इसको रिक्वायर्ड होगी वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी हमारे पैकेज होते हैं जो ऐप को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा कोड चाहिए होता है, जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है उनको ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ अपने VS कोड में। VS कोड क्या होता है? VS कोड एक IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जहाँ पर आपको एक्सटेंशंस और काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने कोडिंग स्पीड को 10x कर सकते हो। 10x मतलब फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता VS कोड कैसे यूज करते हैं तो आप नोटपैड से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ये भी कोई रिक्वायर नहीं है, ठीक है। बट आपको VS कोड आना चाहिए एज ए डेवलपर। तो स्टार्ट करते हैं। SRC फोल्डर आगे हमारे पास, SRC के अंदर हमारे पास app.tsx फाइल होती है। ये जो फाइल होती है कंपोनेंट फाइल होती है, और जो मेन फाइल होती है विच इज main.tsx, जहाँ से हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है, तो ये फाइल होती है, ठीक है। जो ऐप फाइल है वो कंपोनेंट फाइल है, मतलब सिंगल कंपोनेंट ये होता है। इसके अंदर हम नेस्टेड कंपोनेंट्स को रखते हैं, चाहे आप राउटिंग के थ्रू करते हो, चाहे आप बेसिक सिंपल करते हो, ठीक है। एक कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो किस चीज़ का कोड है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कमांड होती है जिसको हम फायर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा आओगे packet.json, एक फाइल मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको दो कमांड मिलती है विच इज dev कमांड, build कमांड, lint एंड preview। आप किसी एक कमांड को फायर कर दो, आप सिंपल फायर करो dev कमांड को। तो उसके लिए आपको अपना पैकेज मैनेजर विच इज npm run dev, आपको ये लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा एज अ डेवलपमेंट मोड में, ठीक है। डेवलपमेंट मोड क्या होता है, जब भी आप कोई चेंजेस करते हो कोई फाइल में तो हैंड टू हैंड रिफ्लेक्ट होता है आपके आउटपुट में, ठीक है। सो ये हमारा देखो इस तरह से आ गया, बेसिक एक ऐप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एक UI लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। हम यूज करेंगे डेसी UI, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले टेलवेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेलवेंट क्या होता है? टेलवेंट एक यूटिलिटी क्लास बेस्ड लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप क्लास लिखते हो उसके बेस पे आपको CSS ऑटोमेटिक लिख जाती है टेलवेंट की मदद से, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो आपको सिंपल आना है tailwindcss.com/docs/guide/vitpan। सिंपल आपको इस लिंक पर विजिट करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस सिंपल इस कमांड कॉपी करते हैं जिसमें हम पोस्ट CSS ऑटो फिक्सर और टेलवेंट CSS एज अ टैब डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर npx tailwind css init -v, इसका मतलब होता है init का कि आपको एक फाइल जनरेट करनी है विद पोस्ट css, ये -v का मतलब होता है पोस्ट css, ठीक है। सो ये सिंपल किया हमने और यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इस कोड को कॉपी करना है और चलना है अपने VS कोड में। यहाँ पर एक फाइल आ गई होगी विच इज tailwind.config.js, इसमें इसको ओवरराइट कर देना है। क्लोज करते हैं, अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो index.css है उसको कॉपी करना है और आपकी जो index.css विच इज SRC के अंदर उसमें पेस्ट कर देना है। अगेन
देन आपको क्या करना है, npm run dev करना है। उससे पहले हम डेसी यूआई को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपल इसको कॉपी किया मैंने और चलते हैं अपने डेसी यूआई के पास और पेस्ट करते हैं। डेसी यूआई क्या है, ये बेसिकली टेलमेंट का ही फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके अंदर हमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इसमें क्या है, हमें कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, जैसे बटन हुआ, चैट बबल हुआ या फिर फॉर्म हुआ, कुछ भी, लेकिन इसके पास ऑलरेडी बना बना है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। वो हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं करते हैं, ये इंस्टॉल कर लिया, बस आपको प्लगइन ऐड करना है और ये काम हो चुका है इसका। तो आपको सिंपल आना है टेलमेंट डॉट कॉन्फिग डॉट जी एस में, जो आपका प्लगइन एरे है उसके अंदर आपको ये पेस्ट कर देना। कर दिया, बहुत है। अगेन यार्न डेव करते हैं या फिर npm रन डेव करते हैं। तो ये मैंने कर दिया npm रन डेव। जैसे ही मैंने कमांड फायर किया, अब ये क्या करेगा, इस पूरे कोड को, जो इस कोड के अंदर मैंने कुछ भी चेंजेस किया है, कुछ भी ए टू जेड, वो कंपाइल करेगा, उसके बेस मुझे आउटपुट शो कर देगा। देखो ये कर दिया। और यहाँ पर अब मैंने अभी स्टार्ट किया ना, देखो यहाँ पर दो मैसेज आएंगे कि आपने डेसी वाई को आपने एडिट कर दिया। देखो ये आ गया ना डेसी वाई का, ये दो थीम ऐड हुई है, सपोर्ट डेसी वाई प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो इसको सपोर्ट करना तो आप इसको कॉल्यूट कर सकते हो, कुछ पैसे डोनेट कर सकते हो या फिर जो भी आपका हेल्प कर सकते हो। तो ये बेसिक आउटपुट होता है। अब इसमें क्या है, कुछ सी एस एस जो है इसने अपनी तरफ लगाई है डेसी वाई ने, तो हम कोई नहीं उसको हम रिमूव तो करेंगे नहीं, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो मैं सिंपल आता हूँ, आर ई एफ लिखता हूँ, विच इज स्टैंड फॉर रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्क्रीन क्रिएट करता हूँ जो हमारी डेमोन्स्ट्रेट करेगी एक चैट ऐप को, ठीक है। मतलब बीच में एक स्क्रीन होगी जहाँ पर कुछ उसका नाम होगा, एक नीचे फॉर्म होगा, बीच हमारे चैट बबल्स होंगे। करते हैं इसको फटाफट, जैसे अपना काम भी बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले डब्ल्यू फुल क्रिएट करता हूँ, फुल नहीं कुछ हाफ कर दें, मैं मान लो 60% करता हूँ। एक स्क्रीन क्रिएट करता हूँ जिसका बीजी वाइट होगा और एम वाई जो होगा, एम वाई नहीं करते, मिनच करते, मिनच मान लो 60 है, 60 bh, और इसको मिनच भी नहीं करते, बिल्कुल इतना करते। ये क्या मैं, तो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट हो गया फुल। इसके बाद हमें करते हैं एम एक्स फोटो करते हैं, ये कर दिया, यानी कि बीच में आ जाएगा, लेकिन मुझे नीचे लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे डेव को कंट्रोल एक्स करते हैं, सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन में क्या करेंगे, मिन एच स्क्रीन करेंगे, फ्लैक्स करेंगे, फ्लैक्स को आइटम्स सेंटर करते हैं, जस्टिफाई सेंटर करते हैं। अच्छा, ये क्लासेस क्या काम कर रही है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो ये टेलमेंट क्लास है। जब भी हम कोई क्लास लिखते हैं तो उसका जो बिहाइंड जो डेफिनेशन है वो आपकी सी एस एस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जब आप देखना, जब आप इसको कंपाइल करोगे ऐसा, जब इसको आप पूरा का पूरा बिल्ड करोगे, तो उस टाइम पे जो भी हम क्लास लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी इसकी सी एस एस बिहाइंड द सीन लिखी जा रही है, तो वो एक फाइल के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने कहा मिन एच स्क्रीन, तो इसकी सी एस एस होती है मिन हाइट 100 bh, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा, तो ये बीच में आ गया फूल। इसके अंदर करते हैं राउंडेड करते हैं इसको, राउंडेड एल जी कर लिया, और बीजी को वाइट में स्लैश 5 करें तो कैसे लगेगा देखते हैं एक बार। सो मैंने कुछ इस्त्री कर दिया, कूल, ठीक है। अगेन यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक लोगो डॉट mp3, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी विच इज रिएक्ट आइकन्स नाम का। ये क्या होती है, बेसिकली आइकन्स की लाइब्रेरी होती है जिसमें काफ़ी सारे आइकन्स होते हैं जिनका यूज करके आप अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी यूआई भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम करते हैं सिंपल रिएक्ट आइकन्स, सिंपल आपको यहाँ पे आना है और सर्च करना है आपको एक आइकन विच इज व्हाट्सअप, ठीक है। तो हम बेसिकली एक व्हाट्सअप क्लोन क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक व्हाट्सअप क्लोन, फुल तो नहीं कर सकते लेकिन बेसिक तो है, जिसमें आप पूरे व्हाट्सअप की यूटिलिटीज कैप्चर कर सकते हो। सो हम बेसिकली इसको इंस्टॉल करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट कहाँ से होगा, ये इम्पोर्ट होगा रिएक्ट आइकन्स के आईओ फोल्डर से। कहाँ से, रिएक्ट आइकन्स के आईओ फोल्डर से। सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल और बैकस्पेस दबाना है, वहां से आपको मिल जाएगा। सो पहले देखते हैं क्या ये काम करेगा। सो उसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, एक बार रिफ्रेश हो गया, देखो आइकन तो आ चुका है। इसमें क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं, तो क्लास नेम हो गया, टेक्स्ट को हम जो है ग्रीन कर दें विद हेल्प ऑफ 500। सो ये ग्रीन हो जाएगा कूल। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक H1 के अंदर लेते हैं जिसमें इनलाइन होगा, नेक्स्ट आइटम सेंटर होगा, गैप एक्स को 2, ठीक है, इस तरीके से। अगेन इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्पैन और लिखते हैं व्हाट्सअप, सेव लिखा, ओके कूल। क्लास नेम जो हो गया इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, क्लास नेम को टेक्स्ट को हम एक्सेल कर लेंगे,
बड़ा हो जाएगा एक्सेल, ठीक है। इसको क्लास नेम देंगे जिसमें टेक्स्ट जो होगा वो टू एक्सेल रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, ओके। और जो टू लिखा होगा उसको हम वन कर देंगे, ओके। और फॉन्ट बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड करते हैं, सेमी बोल्ड इस तरीके से, तो ये बोल्ड हो गया, कूल लग रहा है देखने में। तो अब टेक्स्ट को वाइट कर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा व्हाट्सएप लोगो। यहाँ पर इसको थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो पी बाई टू और पी एक्स में फोर कर लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा व्हाट्सएप का लोगो पी एक्स, और इसको कर देते हैं 4x। इसके बाद क्या करते हैं, इस चैट वॉल को तैयार करते हैं। तो पहले तो 60 इमेज को मैं 70 इमेज लेता हूँ पहले तो, ठीक है। हाँ इतना अच्छा लग रहा है, ये हो गया हमारा किसके लिए, लोगों के लिए। इसके बाद हम करते हैं किसके लिए, चैट्स के लिए, एंड चैट। इसके बाद एक होगा मेरे पास फॉर्म, तो फॉर्म करते हैं फॉर्म डॉट mp3, और चैट इसकी क्लास नेम करती है जिससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि हम किस लिए क्या कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक इनपुट होगा जिसमें w फुल कर लेंगे उसकी, py को 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, px को 4 कर लेंगे। तो ये इनपुट बन गया हमारा, अगर हम देखें तो ये इनपुट आ गया। इसमें बेसिकली क्या है कि डेसी वही क्या कर रहा है, अपने आप से कुछ ना कुछ एडिशनल कलर्स को एनहेंस कर रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम इनको ओवरराइड करते हैं, फर्दर इनको चेक किया जाएगा। तो फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स आइटम सेंटर करते हैं, और गैप एक्स को 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है जिसमें हम लिखेंगे चैट, सेव किया तो ये आगे बटन। इसको डिजाइन करते हैं, तो क्लास नेम देते हैं इसका, तो क्लास नेम px4py2, ठीक है। और bg को करते हैं green 500 इस तरीके से, और टेक्स्ट को वाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, py को थोड़ा 3 कर लेते हैं, कूल। अच्छा गैप एक्स दिया हुआ है, गैप एक्स को वन कर लेते हैं, अब यार हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लिया हमने। अब इसको डिजाइन करते हैं, तो इसमें आउटलाइन नन करते हैं इसकी, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, ठीक है। इसके बाद जो बीजी है उसको हम क्या करते हैं, ग्रे कर लेते हैं, ग्रे में इस तरीके से, ओके कूल। और टेक्स्ट को वाइट कर लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया। अब क्या करना है, मुझे जो स्क्रीन है ये वाली, यहाँ पर जो डिव है इसको एक मिन हाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी एच प्रोवाइड करते हैं, हाइट नहीं, मिन हाइट नहीं, हाइट 50 VH कर लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, और देखते हैं 55 करते हैं इसको, ठीक है, सही है, ये चैट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, बबल्स क्रिएट करना है, तो बबल्स करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ओवरफ्लो होगा वाई का उसको हम स्क्रॉल कर लेंगे, वाई को ऑटो कर लेंगे, स्क्रॉलेबल हो जाएगा, और ओवरफ्लो को डन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। चैट बबल्स लाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेजी यूआई का। तो यहाँ पर देखो मिल जाएंगे आपको चैट बबल नाम से कंप्यूट मिलेगा, यहाँ पर देखो मिल जाएंगे इस तरीके से। तो हमें यही चाहिए था, चाहिए क्या, तो हम क्या करते हैं बताओ, कौन सा यूज करें, थोड़े से एडवांस देखते हैं जो हमें अच्छा लगे, तो एक काम करते हैं ये वाले देखते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे हैं। इसमें क्या बेसिकली इमेज है, आप चाहो तो इमेज लगा सकते हो, तो हम करते हैं इमेज लगाते हैं। तो जेएक्स पे आते हैं, यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है जिस चैट चैट स्टार्ट, ये तो होता है जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है, और जो चैट एंड है वो आपको दिख रहा है राइट साइड। कॉपी करते हैं इसको, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि हमें रीयूजेबल होंगे, चैट बाय बी डॉट tsx। आई नो काफी वियर्ड नेम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें फोकस नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक पे फोकस करना है। चैट बाय अदर डॉट tsx, ठीक है, rfc पेस्ट। अभी मैं जो कोड कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, एक कर पेस्ट, ये किस लिए हो गया, ये हो गया चैट एंड के लिए, चैट बाय अदर के लिए, मतलब जो लेफ्ट साइड में होगा उसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉप्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉप्स क्या होते हैं पता होगा आपको, डोंट वरी। सो बेसिकली करना है, देखो ये जो नाम है ये तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस नाम को छोड़ो, इसका जो टाइम स्टैम्प है उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। सो हम बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं कि एक टाइम स्टैम्प आएगा, टाइम स्टैम्प जो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको न्यू डेट डालकर, न्यू डेट और टाइम स्टैम्प को, और जो टाइम स्टैम्प आएगा ये आएगा इसमें प्रॉप्स। सो
So props this one. So props dot timestamp dot to local time string. ठीक है, इस तरीके से ये timestamp हो गया. इसके बाद जो मैसेज आपका, तो मैसेज क्या होगा, props dot message. मैसेज आपका एक स्ट्रिंग होगा बस. ठीक है, बाकी डिलीवर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं डिलीवर का. चैट बाय मी में आ जाओ. इसके बाद ये वाला जो कोड है विच इज चैट बाय मी का, इसको हम लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे. सो यहाँ पर क्या होगा, जो सीन बाय इसको रिमूव कर दो, ये क्या मैसेज है, तो प्रॉप्स यही आ जाएंगे. प्रॉप्स कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं चैट बाय मी के लिए, प्रॉप्स चैट बाय मी. और यहाँ पर हम मैसेज टाइम स्टैम्प और इसको ले लेंगे न्यू डेट में, और टू लोकल टाइम स्ट्रिंग. ठीक है, ये आपका यूजर हो गया कि किसने हमें सेंड किया. आप चाहे लिख दो बाय मी और यहाँ पर बाय अदर. ठीक है, अभी हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है कि पहले बंदे को रजिस्टर किया जाएगा डेटाबेस में, उसके बाद उसका नाम फेच किया जाएगा, कुछ भी समझिए. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिक सिंपल करते हैं बाय अदर. ठीक है, जिससे थोड़ा हमें लगे हाँ हमने जो क्रिएट किया है बिल्कुल सही क्रिएट किया है और बिल्कुल सटीक क्रिएट किया है. तो मैं चेक करता हूँ इसको चैट बाय अदर और चैट बाय मी को. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेते हैं ज़्यादा सा, जिससे हमें लगे हाँ हमने कुछ किया है. ये हमारा हो जाएगा चैट बाय अदर. सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो मैंने सिंपल से इम्पोर्ट किया, ये आ गया. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सेंड करना है मैसेज हाय. इसका टाइम स्टैम्प जो क्या होगा, उसको हम न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग और ये हो गया. इसके अंदर स्ट्रिंग कर दिया हमने चैट बाय मी. हाय का जवाब देंगे हेलो से. ठीक है, सो सॉकेट आयो छोड़ो अभी नहीं, अभी इस पे आओ. देखो ये आ गया ना मैसेज. अगेन इसमें थोड़ी सी हम पैडिंग कर दें, पी एक्सटेंड कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. हाँ पी वाई 10 कर दें तो 10 ज़्यादा हो जाएगा है ना. आए ज़्यादा हो गया, इसको मैं फ्री कर देता हूँ. ठीक है, ओके कूल लग रहा देखने में. तो मतलब ये इसका जो टेक्स्ट है विच इज दिस, इसमें हम टेक्स्ट को वाइट कर लेते हैं पैरेंट को. ओके ये वाइट हो गया, सेम कॉपी किया और चलते हैं चैट वाई में, इसको भी पेस्ट कर देते हैं. ठीक, बाकी देखना तो अच्छा लग रहा है अभी, तो अभी मालूम पड़ेगा इसका. टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट. ओके ये हमारा टाइम आ गया कि अब मैंने इसको चैट किया था तो ये इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है. अब क्या करना है मेरे को, तो सबसे पहले करते हैं हम चेक करते हैं अपने बैकएंड को. तो बैकएंड पहले क्रिएट करना पड़ेगा. चेक तो बहुत दूरी बाद बनाया ही नहीं हमने अभी, चलते हैं बैकएंड में. सो सीडी बैकएंड npm init, क्योंकि हम यूज करने वाले नोड जीएस का. अगर आप चेंगो या फिर स्प्रिंग बूट से हो तो आप उसको क्रिएट कर लेना. मैं यहाँ पर यूज करूंगा नोड जीएस का, क्योंकि हमें सॉकेट आयो वहां से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. इसके बाद npm i express और कोर्स नहीं करते, सिंपल सॉकेट आयो करते हैं, बस इतना ही रखते हैं. दो पैकेज ही हमारे काफी काम आएंगे. एक टास्क आपके लिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपको पता होगा कि MongoDB Postgres MySQL कैसे कनेक्ट करते हैं. बाकी आपको करना है कि आपको चैट सेव करनी है डेटाबेस के अंदर, उनको कैट करनी है. बाकी लॉजिक मैं बता दूंगा कैसे करना है. एक टास्क आपके लिए और दो टास्क मेरे लिए. अब क्या करना है, सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं विच इज index.js अपनी बैकएंड फोल्डर के अंदर. ये कर लिया आपने. यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है, require of express और const app equals to express, बस सिंपल से करना है और app listen कर देना. यहाँ पर हम कोई route नहीं क्रिएट कर रहे, सिंपल काम हो जाएगा हमारा. तो हम क्या करते हैं 4000 base listen करते हैं और log करते हैं the app is listen at http localhost 4000. ये कर दिया. then इसको क्या करना है, हमें नोट मोन की मदद से स्टार्ट करना है. तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्क्रिप्ट में आते हैं, लिखते हैं डैव कमांड विच इज नोट मोन इंडेक्स डॉट जी एस. तो करते हैं यहाँ डैव करते हैं इसको
किया मैंने, तो देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ लोड पोन लोकल होस्ट 4000 पे। अगर मैं हिट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ शो तो मिलेगा, तो आई एम डम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वही मिल रहा है, कैन नॉट गेट, मतलब ये काम कर रहा है। अगेन हमें इस पर काम नहीं करना, हमें काम करना है सॉकेट आयो पर। सो आई बेसिकली क्लोज दिस, सो सीएलएस npm आयो सॉकेट आयो, ठीक है। इसके लिए बैकएंड के लिए अगर आप क्लाइंट में आओगे, मतलब कि अपने फ्रंट एंड में, तब करना पड़ेगा सॉकेट आयो आयो फॉर क्लाइंट। अभी हमने किया तो पहले क्या करते हैं, सर्वर इम्पोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इसी की वेबसाइट का यूज करेंगे, सर्वर ईपीआई भी आते हैं, वर्जन 4 सर्वर ईपीआई आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो कुछ इस तरह से काम करता है, आप इसके इंजन को पढ़ सकते हो, मतलब जो भी सर्वर है कैसे काम कर रहा है सब कुछ। हम करते हैं कॉपी, चलते हैं अपने इसके साथ। अच्छा यहाँ पर ना ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसको एक्सप्रेस के साथ भी यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्सप्रेस सेक्शन, दिस इज एक्सप्रेस सेशन, नो सेशन नहीं करना हमें, दिस वन इज वेब सॉकेट, सो नो नीड। थोड़ा सा और आते हैं, डॉक्स पे आते हैं, डॉक्स पे टोटल पे आते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ सर्वर डिलीवरी, देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप, थोड़ा बैक करता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि आपने ऐसे किया हुआ है इसको, ठीक है हमें ये नहीं करना। लेकिन और थोड़ा आते हैं, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन पे आते हैं, जहाँ पर आपने एक्सप्रेस किया, ठीक है एक्सप्रेस से अभी भी नहीं करना। सर्विंग एचटीएमएल दिया हुआ है, एचटीएमएल नहीं करना, इंटीग्रेट करना है आपको सॉकेट आयो। तो हम बेसिकली ये वाला जो कोड है उसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख रहा है बता देता हूँ, सबसे पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया, सर्वर को हमने एक जो एसटीडी मॉड्यूल होता है हमारा बेसिक वाला, उसको हमने इम्पोर्ट कर लिया। यहाँ पर नोड लगा हुआ है, तो आप इसको मूव कर दो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, इजी करने के लिए, ठीक है। एक एसटीडी ले लिया, एक जॉइन ले लिया, पाथ मॉड्यूल, पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कोई फाइल सब नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। एक सर्वर ले लिया, सर्वर कहाँ से आया, सॉकेट आयो से, जो हमने इम्पोर्ट कर लिया। इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले ऐप का इंस्टेंस क्रिएट किया, देन हमने इस सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट किया, देन हमने आयो इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें न्यू सर्वर डाला और सर्वर के अंदर ए डाल दिया, ठीक है। जो ऐप था वो डाल दिया हमने एचटीटीपी के अंदर, और एचटीटीपी जो है हमने इस सॉकेट आयो के सर्वर के अंदर डाल दिया। गेट वाले ऐप को डाल देता हूँ यहाँ से इस वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक चेक करते हैं कौन सा यूजर कनेक्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ सॉकेट आईडी, ठीक है। देन हमने सर को लिसन कर दिया पोर्ट 4000, बस इतना सा काम किया। अब क्या करते हैं इसको यार्न टैप करते हैं, और अपना जो क्लाइंट है वो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अगेन आते हैं अपने चैट में जो अपना चल रहा था, एक टर्मिनल और ओपन करता हूँ क्योंकि एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करनी है विद द हेल्प ऑफ npm आयो सॉकेट आयो क्लाइंट, ठीक है। बस आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, सॉकेट डॉट आयो हाइफन क्लाइंट, बस ये करना है आपको। और यहाँ पर आपको आना है अपने चैट डॉट चैट ऐप डॉट टीएस के अंदर। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम सॉकेट आयो क्लाइंट। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना है आयो, ठीक है। आयो क्या, आयो वही है जो आप सोच रहे हो, सो कॉन्स्ट आयो या फिर सॉकेट इक्वल्स टू आयो। आयो के अंदर आपको पाथ डालना है कि आप किस पाथ पर कनेक्ट करना चाहते हो। अब हमारा जो रिले टैप है वो चल रहा है 5173 पे, और जो हमारा सर्वर है चल रहा है 3000 4000 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने 4000 का पाथ पास करना है, लोकल होस्ट 4000, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको यूज इफेक्ट के अंदर, या फिर एक काम करते हैं अभी लॉक करते हैं, यूज इफेक्ट यूज नहीं करते, लॉक करते हैं। लॉक करने पर अभी चेक करते हैं कि इसका आईडी क्या आ रहा है, ठीक है भाई, कनेक्ट तो हुआ है ना, तो आईडी तो होगा कुछ ना कुछ, जो आईडी फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया इसने तो वो आईडी है क्या, वो चेक करना है उसमें। और बाय बता दूँ आपको, जो आईडी अगर कनेक्ट हुआ है पर, तो ये कनेक्शन हमें यहाँ पर भी शो करेगा, यहाँ पर तो अभी शो नहीं करा, तो मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं है उसका हमें रीजन जानना है, तो उसके लिए हमें अपने कंसोल में विजिट करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर हमें कुछ कोड्स एरर मिलेगी, आप बोलोगे ये कोई राउटिंग थोड़ी ना है, ये हम राउट कर रहे हैं या कोड्स एरर मिल रहा है। हाँ भाई, आपको कोड्स इनेबल करना पड़ेगा इसको भी, देखो बोल रहे हैं ना कि आपके जो कोड्स हैं ब्लॉक्ड हैं, आपको कोड्स अलाउ करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ना तो हमने कोई राउटिंग की जिससे हम कोड्स पैकेज इंस्टॉल करें उससे हमारा काम हो जाए, हाँ, लेकिन आपको ये कोड्स अलाउ करने ही पड़ेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे करना है, आपको सब कुछ लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हाँ सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग कोड्स, इस तरीके से आपको आना है, यह मिल जाएगा आपको कोर्स का। तो वही लिखा हुआ है कि आप जब सर्वर क्रिएट करते हो, आप बेसिक क्या करो, एक ऑब्जेक्ट पास कर दो कोर्स नाम का, जिसमें आप ये बता दो कि आप किस किस ओरिजिन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है भैया कर देते हैं इस काम को। कहाँ करना है आपको, बैकएंड में। सो यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है कॉमा लगा के, यहाँ पर हमारे जो
होस्ट होगा, ओरिजिन होगा, वो होगा HTTP लोकल होस्ट 517। बस ये करना है। अगेन देखो अभी क्या है, देखो सर्वर स्टार्ट होने के बाद देखो एक यूजर कनेक्ट हो चुका है, गुड, ठीक है। लेकिन 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 देखो यहाँ पर यूजर चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, नहीं होना चाहिए ना। अभी देखो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, देखो रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर देखो यूजर आ गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है वो दो बार हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको रोकते हैं, क्योंकि देखो अगर हमें कोई भी आईडी या फिर उसका कुछ सेव करना होगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इस कंप्यूटर को प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज मेमो। इससे यूज मेमो से जिसमें डाल दिया और हमने एक डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया, ठीक है। अगेन अब इसके बाद क्या करते हैं, यूज इफेक्ट को कॉल करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई सुनो सॉकेट, ओके सॉकेट डॉट ऑन, इसमें कनेक्ट, जब भी कनेक्ट होता है तब क्या करना, तब डेटा लेना है, और डेटा से ये क्या बोल रहा है कि डी वॉइड असाइन टू अ पैरामीटर, वॉइड डी इज डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। ओके ओके भाई इतना सारा बता दिया तुमने तो, ओके ओके चलो अभी देखते हैं इसको। पहले डी को लेते हैं, डी का आईडी हमें चेक करना है, सो लेट्स चेक। ये बोल रहा है कैन नॉट रीड दिस अनडिफाइंड आईडी, सो मैंने पास किया। अबे करना है ये जो है कनेक्शन ये पास कर देना है यहाँ, ठीक है। सो अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कुछ मिलता है, तो नथिंग, कुछ नहीं मिला। सो आईडी देखते हैं इसका आईडी, सो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिला। अगेन चेक करते हैं, रिफ्रेश करूंगा, लेकिन अपने जो बैकएंड है उसमें रिक्वेस्ट जो एक एक बार जारी हुई है और आपको दिखाऊंगा। सो देखो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सीरियस करते हैं, देखते हैं यहाँ डेप, तो हमें बेसिकली क्या वन टाइम ये काम करना चाहिए, और इसको हम क्या करें रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न क्लीन अप कर देंगे, मतलब क्या करेंगे सॉकेट को ऑफ कर देंगे। अभी दो बार कनेक्ट हो रहा है, तो वो देखता है कैसे हो रहा है। सो सॉकेट डॉट ऑफ, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी जैसे हमने किया, अभी क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने सही कर लिया रिफ्यूज को। सो अगेन ये किया, कोई फर्क नहीं पड़े इस पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक करते हैं, लॉक करते हैं कि कनेक्शन हो चुका है। सो कनेक्ट सक्सेस, ओके वही मिस आई इवेंट, क्या मैं इवेंट को मिस कर रहा हूँ। सो चेक करते हैं क्लाइंट में, क्लाइंट चेक करते हैं इनिशियलाइजेशन पे, और यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने इस तरीके से किया, ठीक है, हमने किया सॉकेट इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपको कनेक्ट चेक, ओके सो दिस साइड, ठीक है, ये वाला करना है आपको कनेक्शन, और रिटर्न करना है आपको कौन सा, ये कनेक्ट ही आपको ऑफ कर देना है क्लीन अप, ठीक है। सो पहले तो ये सारे जो रूट है ना इनको रिमूव कर दे पहले, तो अब जरूरत नहीं इनकी, हटाओ, ठीक है। एक ये देखो आईडी आ चुका है, रिफ्रेश करूंगा तो सिंगल आईडी जो हमारा होगा वो हमारा आ चुका है, और यही आईडी अगर हम बैकएंड चेक करें तो बैकएंड में ये वाला आईडी लास्ट है और ये वाला आईडी ये है, ठीक है। इस आईडी को क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ, ओके यूज स्टेट ऑफ दिस, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो आ रहा है, नई चीज क्या, उसमें स्ट्रिंग कर दी हमने, और ये क्या हुआ एज ए स्ट्रिंग होगा, तो एज अननोन और एज स्ट्रिंग टाइप कास्ट कर दिया हमने, और इसको हम जो व्हाट्सएप उसके बारे में डाल देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ठीक है डाल दिया। सो ये हो गया। अब क्या करना है, इस फॉर्म को हैंडल करना है, तो उससे पहले करते हैं, तो लेते हैं ऑन सबमिट हैंडलर, इसमें ई आएगा, ई का टाइप जो होगा वो एनी रखते हैं क्योंकि, ठीक है, ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में ऑन सबमिट पास करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्शन, और सबमिट
देन इसके बाद क्या करना है, हमें एक इनपुट लेना है किसके लिए, चैट सेट चैट के लिए, चैट सेट चैट के लिए, जिसमें हम ऑन चेंज ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और वैल्यू पर पास करते हैं वैल्यू इक्वल्स टू चैट, ठीक है। टेक्स्ट होगा टाइप, ओके कूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बटन का टाइप जो होगा उसको हम सबमिट कर देंगे, ये कर दिया। जब भी मैं सबमिट करूँ, मतलब कि कुछ भी करूँ, तो उस केस में ये काम होना चाहिए, देख लेंगे इसको तो, है ना। अच्छा, ये ऑन सबमिट जो है वो यूज बैठ से बाहर होना चाहिए, हाँ सही है। इसमें क्या करना है हमें, चैट पास करना है, सॉकेट को एमिट करना है, तो करते हैं इसको। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने इसके पास कनेक्शन पर, तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है हमारा, चैट भी जो फॉर्म था वो हैंडल हो चुका है। अब क्या करना है, एक मेरे पास डेटाबेस का तो डेटा नहीं रखते, डेटाबेस का काम आप करता, मैं इसको सिंपल करता हूँ। एक मैंने एरे क्रिएट किया, ठीक है, एरे में क्या करना है, मुझे चैट्स को स्टोर करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट से क्या करना है, क्लाइंट से उस चैट को रिसीव करना है, क्या करना है, क्लाइंट से चैट को रिसीव करना है। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, ये वाला सॉकेट, देखो ये वाला सॉकेट करना है, सॉकेट से बोला कि एक कनेक्शन ऑन करो, ठीक है। क्या क्या करना है, मैं करना है एड चैट नाम का एक इवेंट क्रिएट करना है, जिसमें तुम कुछ डेटा एक्सपेक्ट करोगे। डेटा क्या होता है, डेटा आपका मैसेज और यूजर किसने सेंड किया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उससे कि भाई एक काम कर, काम क्या करना है तेरे को, जो तो डेटा है उसके अंदर तू पुश कर दे। क्या पुश करना है तेरे को, पुश करने का है डेटा कौन सा, डेटा ये वाला, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा ये डेटा दोनों हो रहे हैं तो इसको डी कर लेते हैं, और डेटा ये वाला हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि एक मैसेज आएगा जो डी डॉट डॉट मैसेज के अंदर होगा, एक टाइम स्टैम्प होगा जो डी डॉट टाइम स्टैम्प के अंदर होगा, एक आपके पास यूजर होगा जो कि डी डॉट आईडी होगा। बस ये आपने इतने सारे लिख दिए, बस इतना ही काम करना था, ये आपका एड चैट का लॉजिक हो गया। अब इसकी जगह आप अपनी मोंगोडीबी क्वेरी लिख दो, पोस्टग्रेस की, माइसिक्वल की, किसी भी क्वेरी हो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं इसको, पहले हम चेक भी करते हैं कि डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा, तो लॉक कर लेंगे इसको, सो लॉग ऑफ डी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं चलता हूँ एप डॉट टी एस एक्स के अंदर, यहाँ पर हम जो सबमिट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा जो अपना सॉकेट इंस्टेंस है इससे कि सॉकेट डॉट एमिट, भैया सुन लो एमिट, सुन लो क्या, कि हमें एड चैट करना है, क्या करना है, एड चैट करना है, जिसमें हमें कुछ डेटा पास करना है, मैसेज जो आपका चैट होगा, टाइम स्टैम्प जो आपका न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग होगा। मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ इंस्टेंस को, जो भी ऑब्जेक्ट हमने पास किया है इसी को हम पास करना है, तो कॉपी पेस्ट। टाइम स्टैम्प क्या होगा, तो मैं ये लेता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यूजर, और ये हो जाएगा हमारा न्यू डेट टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से ये कर दिया मैंने, बस इतना ही काम था, और मे बी इससे हमारा जो चैट का काम है वो हो चुका होगा। सो मैंने पास किया, चैट किया, तो सी डेटा आ चुका है, टाइम स्टैम्प आ चुका है, एक यूजर आ चुका है, और वो सेव हो चुका है, टोटली फाइन, ठीक है। अगेन ये तो हो गया, अब क्या करना है, इस चैट को मुझे खाली भी करना है जब मेरा चैट जा चुका है, तो सो व्हाट आई डू, आई कैन इम्प्लीमेंट सेट चैट, बस ये कर दिया, सो हाय दिस वन, तो ये जा चुका। लेकिन मेरा काम ये तो है ना, जा चुका है मेरा काम, तो उसको मंगाने का है ना, तो वो मंगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अपना चैट बाय मी या चैट बाय अदर, तो पहले हम क्या करते हैं उसको फैच करते हैं, तो जो अपना यूज करते हैं दिस वन, इसके अंदर बोला मैंने सॉकेट, यानी कि जब मैं कनेक्ट हूँगा, कनेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम मुझे गेट चैट को कॉल करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन, यानी कि यहाँ से बोलते हैं सॉकेट डॉट एमिट, क्या बोलते हैं, सॉकेट डॉट एमिट गेट चैट। अब भाई इवेंट रिसीव कर लिया, अगर मुझे डेटा मंगाना है तो मैंने कर लिया एट चैट, अगर डेटा भेजना है तो गेट इवेंट एमिट हो गया, ठीक है, डेटा को रिटर्न कर देंगे। अभी डेटा क्या नल होगा, क्योंकि देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो पूरा जो डेटा क्लीन हो चुका है अब वो नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो गया। सो अब क्या करना है, इस चैट को मतलब जो इवेंट है इसको लिसन करते हैं, तो सॉकेट डॉट ऑन दिस वन, जब भी ये हुआ तो हमें क्या करना है,
लॉक करना है डेटा को, कर लिया। सो चलो चेक करते हैं। अभी अगर हम कंसोल चेक करेंगे तो हमें एक बेसिक एरे मिलेगा जो कि नल होगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो मान लो मैं कुछ चैट्स करी, अभी दिखेगा नहीं, रियल टाइम अभी नहीं दिखेगा। देखो ये किया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आईडी चेंज होगा, आई नो, बट सर्वर चेंज नहीं हुआ, चिंता करो। तो हमें देखो चार चैट्स मिल रही है जो इनिशियली अभी मैंने चैट्स की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन चैट्स को पहले तो अपने यहाँ पर प्रिंट करूंगा, लेकिन इसमें क्या है, आईडी नहीं आ रही है। वाई आईडी क्यों नहीं आ रही भाई, क्यों हमने आईडी सेव नहीं की क्या? आईडी सेव तो की थी मैंने। सो अगर मैं चेक करूँ तो यूजर भी ऐड है, यूजर भी डॉट आईडी। ओके हमने गलती कर दी, क्योंकि तो हमें डी डॉट यूजर लेना था। सो माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आते हैं, चैट किया, अगेन किया, चैट किया, अगेन चैट किया, अगेन चैट किया, अगेन चैट किया, रिफ्रेश करते हैं तो मुझे अब क्या मिलेगा, पांच या छह जो है ये मिल जाएंगे एरे। यहाँ पर यूजर आ चुका है, इस टाइम स्टैम्प आ चुका है। अब क्या करना है, इसको पहले मैं प्रिंट करता हूँ अपने इसमें, जिससे मुझे थोड़ा यूआई का मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मेरा जो लॉजिक है लिखने का तरीका वो मेरा सही है। तो हम क्या करते हैं, कॉस चैट्स सेट चैट्स यूज स्टेट ऑफ सिंगल एरे। एरे का जो टाइप होगा वो हम डिफाइन कर लेते हैं। मैं अभी के लिए डिफाइन करता हूँ मैसेज जो कि स्ट्रिंग होगा, टाइम स्टैम्प जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और एक यूजर होगा वो भी एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और इसको हम एरे मान लेंगे इस तरीके से। ये हो गया, मुझे अगर ना सेट चैट है उसको हमें इस डी की जगह पेस्ट कर देना है। सो अगर हम लॉक करते हैं इसको, तो लॉक नहीं, सिंपल प्रिंट करते हैं। सो चैट्स को प्रिंट किया, देखो एक चैट्स होना चाहिए, चैट्स की जो लेंथ है अगर लेस देन इक्वल टू 0 होती है तब ये दिखाना चाहिए। अगेन यहाँ पर आते हैं और इस लॉजिक लिखते हैं कि चैट्स डॉट मैप मैप जिसमें करंट को स्टोर करना है हमें और एक आई लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें रिटर्न करना है हमें अगर करंट डॉट जो अपना यूजर होता है अगर इक्वल इक्वल यूजर होता है तब तो मुझे चैट बाई मी को कॉल करना है, अदर देन मुझे चैट बाई अदर को कॉल करना है, ठीक है। जिसमें अगर बाई मी है यानी कि जो आईडी मैंने सेंड किया हुआ है तो इसका जो मैसेज है वो मुझे इससे चेंज करना है विद हेल्प ऑफ करंट डॉट मैसेज से। अगर वो किसी और का होता है तो वो भी सेम है, करंट डॉट मैसेज आ जाएगा, करंट डॉट मैसेज। टाइम स्टैम्प जो होगा वो करंट डॉट टाइम स्टैम्प पे आ जाएगा। ठीक है, और आई का काम क्या होगा, आई का काम होगा आईडी का। सो की डाल देंगे यहाँ पर आई, सेम की डाल देंगे यहाँ पर आई, बस हो गया, सेव करते हैं। तो देखो हमारे पास चैट्स आ चुकी हैं, लेकिन ये बाय अदर की आई है, बाय हमारी नहीं है, मेक श्योर करना है। चलो तो भाई इसको सही करते हैं, पहले तो एक प्लेस होल्डर पेस्ट करते हैं यहाँ पर, प्लेस होल्डर एंटर सम चैट। अब क्या करना है, इसको रियल टाइम करना है सबसे पहले तो। सो रिफ्रेश तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर रिफ्रेश करूंगा तो सी मुझे चैट दिखेंगी जो मैं लास्ट चैट की थी। मान लो हाय दिस इज मी, ये किया तो अभी दिखा तो है नहीं, लेकिन जैसे ही लॉक करूंगा तो हाय दिस इज मी आ गया और ये चैट आ चुकी है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर अगर मान लो जो हमारा चैट है वो अगर हमारा नल होता है तो अलर्ट कर देंगे उसको, भैया ऐसा ना करो, अलर्ट ऑफ प्लीज एड वन नल, ऐसे कर देंगे अगर वो चैट नल होती है तो, और रिटर्न कर देंगे इसे पता, ठीक है। अगर मैंने चैट किया तो आ जाएगा नल, ठीक है, कुछ डालोगे तभी ये काम करना चाहिए। अब क्या करना है, मेरे को इस डेटा को रियल टाइम करना है, बस काम ये मेरा रियल टाइम करने का, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रियल टाइम का मतलब क्या है, देखो रियल टाइम का मतलब ये है कि जब मैं मैसेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे वो जो मैसेज है, जो मैसेज है रियल टाइम वाला, मतलब कि कहने का ये है कि जब मैसेज कर रहा हूँ तो ये मैसेज हैंड टू हैंड अपडेट हो जाए, मैंने मैसेज किया तो
मतलब सामने वाले का मैसेज अपडेट होना चाहिए, उसका यूआई अपडेट होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा इवेंट ट्रिगर करना है जो हमें बैकएंड से क्लाइंट को अपडेट करता हो, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे, जब हम डेटा को पुश कर दिया, तो हम क्या करेंगे, आयो को बोलेंगे कि भैया आयो कि डॉट एमिट कर किसको, गेट चैट, जिस भी कहने मतलब ये है, जिस भी क्लाइंट ने इसको लगा रखा है तो उसके इवेंट को अपडेट कर दो। जैसे ही तुमने ये किया, तो अभी अगर देखें तो क्या कुछ फर्क पड़ता है। अभी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बैकएंड में आते अपने, तो बैकएंड में देखो, कनेक्ट हुआ। अगेन देखो, ये डेटा तो आ रहा है, लेकिन मैं जब कर रहा हूँ चैट तो ये डेटा जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो हमें दिक्कत दे रहा है। तो उसके लिए हम अपने ऐप डॉट टी एस एक्स में और लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग गेट चैट, ये किया। देखो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी गेट चैट 8 बार कॉल, मतलब कॉल तो हो रहा है लेकिन डेटा नहीं आ रहा, और 21 बार कॉल हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। सॉकेट डॉट ऑफ करना पड़ेगा इसको भी, गेट चैट को, और इसमें हम बोलते हैं, और ये लास्ट लॉजिक हमारा, इसके बाद शायद हमारा काम हो जाएगा आई थिंक। अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये कॉल जो है वो सही हो रहा है, 13 टाइम भी कॉल हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि यहाँ पर हमारा सही है, तो मैंने एमिट तो कर दिया। ओके, एमिट में डेटा तो पास किया ही नहीं है, डेटा तो पास करना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी। दिस विन, ओके कूल, काम कर गया, रिफ्रेश। तो सी, ये मेरी चैट्स हैं कुछ, लेकिन अब ये जो रिफ्रेश हो चुका है, देखो ये जो हमारा, जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा अपने क्लाइंट को, यानी कि इस वाले यूआई को, तो ये जो आईडी चेंज होगी, तो मतलब यूआई भी हमारा चेंज होगा। लेकिन हम कोई ऑथेंटिकेशन करते, ऑथोरेशन रखते, तो हम ये चीज़ टैगल कर पाते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं कर पाएंगे, अभी हम बात देखेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ के चैट्स मैं आपको दिखाता हूँ, दो साइड चेक करने का तरीका। आई डू सेव, तो देखो यहाँ पर जो आईडी होगी वो अलग होगी। एन आई स्क्रीन दिस, और ऐसे एक काम करते, पहले यूआई को थोड़ा सा अच्छा करता हूँ मैं। ऐप डॉट टी एस में आऊँगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं एक्सेल में बोल देता हूँ, और बाकी ये डब्ल्यू फुल, ठीक है। ये हो गया मेरे पास दो यूआई, एक तो ये हो गया और एक ये। अब मैं चैट करता हूँ, मैंने लिखा देखो ये क्या है, ये दिस यूजर है और ये दिस यूजर है। मैंने बोला हाय दिस इज मी, ये लिखा, चैट किया। तो देखो एक चैट हैंड टू हैंड अपडेट हुई, हैंड टू हैंड, मैंने कुछ नहीं किया, हैंड टू हैंड। हेलो, माय नेम इज कृष्णा कॉलेज, चलो, और ये किया। तो सी, हैंड टू हैंड हमारा चैट आ चुका है। तो इस तरीके से तुम एक अपना व्हाट्सएप क्लोन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉकेट आयो। ये काफी सिंपल था, लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको मजा भी आया होगा। आपने देखा कैसे रियल टाइम अपडेट करते हैं, और कैसे एमिट्स का यूज करते हैं, कैसे हम हर क्लाइंट को नोटिफाई करते हैं कि भाई तुम्हारे एक मैसेज आया है, इसको यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो, जैसे एमिट किया मैंने दिस वन, देखो यहाँ पर ये मैंने एमिट किया है, इसमें तुम क्या करते हो, अपने नोटिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई जब तेरा चैट आ रहा है तब मैं तेरे को एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकता हूँ। इसमें काफी सारे फंक्शन होते हैं। अभी तो हमने देखा कि सारे इवेंट्स को, मान लो हमारे पास 4-5 विंडो होती है, 4-5 विंडो को रिफ्रेश करेगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर यूजर को रिफ्रेश करना हो तो वो भी इसके अंदर फीचर होता है, वो भी हम देखेंगे लेकिन अगले आने वाले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सेशंस पास करना, और कमेंट और फीडबैक जरूर पास करना। अभी के इस वीडियो तक गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।